खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस कार्यालय पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर भारत बचाओ महारैली के व्यापार प्रचार प्रसार हेतु तथा तैयारी के संबंध में मीडिया से रूबरू हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला प्रभारी गीतलाल सरोज ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पर भाजपा सरकार ने चुप्पी साध ली है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली करने जा रही है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस आशीष कुमार सिंह ने बताया, रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हर विधानसभा से 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा कर लिया गया है। हम लोगों को भारत बचाओ महारैली की तैयारी के निर्देश हुए हैं माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर। रैली आपको ही मालूम है, आज देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, और सबसे बड़ा इधर जो मुद्दा सामने उभर के आया है वो है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार झूठे वादे करती आई, बड़े बड़े नारे दिए थे, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, अब की बार महंगाई पर वार, अब की बार महिलाओं की सुरक्षा का, सारे वादे झूठे वादे साबित हुए हैं। जनता त्रस्त है, हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की हैं, चौपालें की हैं, आपने देखा है अभी हमने 4 तारीख को प्रदर्शन किया, कलेक्टर का घेराव किया, किसानों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों पर, अन्नदाताओं पर मुकदमे लिख रहे हैं, और जिन अपराधियों पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पराली जलाने पर जो मुकदमे लिखे गए उनकी वापसी की मांग को लेकर जनता की मांग है, लोगों में आक्रोश है। गन्ना किसानों का, आप पहली बार आप बताइए, कोई चीज़ हिंदुस्तान में खरीदी जाएगी उसका मूल्य निर्धारण होना चाहिए, बिना मूल्य निर्धारित किए गन्ना किसानों का गन्ना लिया जा रहा, उसका कोई हल नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग दिल्ली संसद घेर रहे हैं, रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। हरदोई से कितने लोग जाने को है? हरदोई में हमें प्रत्येक विधानसभा से 200 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य मिला है और हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। हमारे पास सूचियां आ गई हैं, वो हमने माननीय प्रदेश कमेटी को प्रेषित कर दी हैं, माननीय प्रभारी जी ने उनका अवलोकन किया है, आदरणीय अजय सिंह जी ने उन सूचियों का अवलोकन किया है, और हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे, ट्रेन से भी जा रहे हैं, बसों से भी जा रहे हैं। भारत बचाओ महारैली का आयोजन 14 दिसंबर को आदरणीय सोनिया गांधी जी के, प्रियंका जी के, राहुल जी के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें भारत भाजपा विरोध में क्या कहते हैं कि ये महारैली की जा रही है। भाजपा क्या कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर, गन्ना किसानों पर, क्या कहते हैं कि सभी पर विफल है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।